दोस्तों जय श्री राम। मैं हिमांशु शर्मा आपके अपने ही YouTube चैनल एस्ट्रो विद शर्मा जी में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम अशुभ बुध के भौतिक लक्षण और उपायों के विषय में बात करेंगे। आप अपनी रोजमर्रा की अपने जीवन की कुछ छोटी छोटी चीजों को देखकर यह समझ सकते हैं कि बुध देव आपकी कुंडली में मजबूत हैं या कमजोर हैं। जी हाँ, बुध देव आपकी कुंडली में मजबूत हैं या कमजोर हैं, और यदि कमजोर हैं तो हमें कौन से एक दो एकदम छोटे छोटे से उपाय करने हैं जिससे हमारा बुध मजबूत हो जाए और उससे सकारात्मक परिणाम हमें मिलने लगे। इन दोनों विषय वस्तु को हम आज के कार्यक्रम में समाहित किए हुए। चलिए फिर आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, कार्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व एक बहुत ही छोटा सा निवेदन है। अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देवे, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जी हाँ कमेंट बॉक्स में जय जय श्री राम अवश्य लिखे। चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली बात, बुध देव बुद्धिमता को दिखाते हैं। जिस भी व्यक्ति का बुध कमजोर है, बुध खराब है, उसको निर्णय लेने में तकलीफ होती है। किसी भी प्रॉब्लम का एक जो इंस्टेंट एक जो सॉल्यूशन निकालना चाहिए वह ऐसे लोग नहीं निकाल पाते हैं। नंबर दो, दिशा का भ्रम इन लोगों को बहुत ज़्यादा होता है। एक रास्ते में आज गए हैं और दो दिन बाद जाएंगे तो उस रास्ते को भूल जाना, यह चीज भी बुध के डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। बीमारी के अंतर्गत यदि मैं कोई तीसरा चीज बात करूं तो मैं सबसे पहले बोलूंगा थ्रोट इन्फेक्शन इन लोगों को ज़्यादा सबसे ज़्यादा होता है। गले का जो इन्फेक्शन होता है ना, जो ENT वाले जो डॉक्टर होते हैं, नाक कान गला वाले डॉक्टर, वह पूरा का पूरा बुध का डिपार्टमेंट है। यदि वैसे डॉक्टर के पास आपको फ्रिक्वेंटली जाना पड़ रहा है, इट मीन्स कि आपकी कुंडली में बुध देव पीड़ित हैं। तीन लक्षण हो गए। अब मैं चौथे एक और लक्षण को आपके सामने रखता। देखिए होता क्या है, कुछ लोग होते हैं जो बुरी संगति में पड़ते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति का बुध कमजोर होगा वह आदमी बुरी संगति में भी जल्दी फंसता है और उस संगति में फंसने के बाद वापस नहीं आ पाता है। जल्दी से वह प्रयास तो करता है लेकिन फिर भी वह वापस नहीं आ पाता। यह सबसे बड़ा ड्रॉबैक है यदि कुंडली में बुध कमजोर हो जाए तो। ठीक है, यह चार मैं आपको कुछ प्रमुख लक्षण बताया हूँ। लक्षण तो चार नहीं 40 हैं। बोलना चालू करूंगा तो वीडियो जो है मेरी 5-10 मिनट की जगह वो आधे घंटे और एक घंटे की हो जाएगी। चलिए अब हम उपायों को देखते हैं। ठीक है, दो तीन कुछ बहुत ही छोटे छोटे मैं आपको उपाय बताता हूँ जिसमें आपकी किसी भी प्रकार की धनराशि खर्च नहीं होगी, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही उत्तम आपके जीवन में आपको अवश्य ही परिलक्षित होगा। दोस्तों, उपाय बताने के पूर्व आपसे एक विनम्र निवेदन है, वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। आप जैसे ही कमेंट वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट बॉक्स में कुछ अच्छी चीज़ें लिखते हैं ना, तो इससे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा होता है। यूट्यूब उन वीडियो को कुछ दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को प्रिस्क्राइब करता है और कहीं ना कहीं पर उसके सहयोग के एक हिस्से के भागीदार आप भी होते हैं। उनकी उस पुण्य की उनका जो प्रॉब्लम जो समाप्त होता है उसके पुण्य के एक हिस्से के भागीदार आप जरूर बनते हैं। तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, कमेंट में कुछ ना कुछ अच्छा चीजें अवश्य लिखें, कुछ नहीं तो कम से कम उस ईश्वर का नाम अवश्य लिखें। चलिए अब हम आ जाते हैं उपायों की। सबसे पहले नियमित गायत्री मंत्र का जाप चालू कीजिए। कितने बार करेंगे उसके ऊपर मैं आपको किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं डाल रहा हूँ। 21 बार कीजिए, 51 बार कीजिए, 108 बार कीजिए, 1008 बार कीजिए। जितना ज़्यादा करेंगे लाभ आपको होना है। आप अपना डेली रूटीन देख लीजिए, कितने समय को आप बीच का मैनेज कर सकते हैं उन चीज़ों को देख लीजिए और नियमित बिना आढ़ किए नियमित आप गायत्री मंत्र का जाप प्रारंभ करें। सबसे पहले नंबर दो, नियमित आप गणेश जी में दुर्वा चढ़ाना चालू करें, नियमित। तीसरा और आज का अंतिम उपाय, वैसे तो पूरे घर में हर हमेशा विशेष साफ सफाई हर एक व्यक्ति को करनी चाहिए, लेकिन फिर भी यदि बुध देव कमजोर है तो घर के उत्तर दिशा में आप विशेष ध्यान रखें साफ सफाई की। किसी भी स्थिति में घर के कबाड़ रूम को उत्तर दिशा की ओर ना बनावें, उत्तर दिशा को ज़्यादा से ज़्यादा खाली रखें, उत्तर दिशा में छोटे छोटे फूल पौधे लगावें,
आखिरी में कुछ नहीं समझ आ रहा है तो एक तुलसी मैया का वहाँ एक छोटा सा आप एक पौधा लगा दीजिए, नियमित आप उसमें रोज शाम को आप दीप जला दिया कीजिए। लेकिन उत्तर दिशा की साफ सफाई, उत्तर दिशा में फुलवारी, यह दो चीज रखना अति अनिवार्य है। और उत्तर दिशा की ओर किसी भी प्रकार का कबाड़ रूम है तो उसको सबसे पहले आप अपने घर के वहां पर से खिसका देंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए आप सभी मुझे इजाजत देवे, अगले कार्यक्रम में फिर एक नए विषय वस्तु के साथ मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। आज के लिए जय जय श्री राम।